Guys, welcome back to to my channel, Into the Beauty so, up, up. I hope you you all are doing well. Today, I'm going to showing you the make look. So, this, look Diwali makeup look. थोड़ा बहुत इंस्पायर है निधि कट्यार से जी हाँ तो मैंने उनको देखा था तो वो मेरी फेवरेट यूट्यूबर है निधि कटियार अगर आप लोग उन्हें नहीं जानते आई होप आप लोग सभी उन्हें जानते होंगे वो मेरी इंस्पिरेशन है तो उसी उन्हीं से थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन लिया है मैंने पूरा तो नहीं क्रिएट कर पाई लेकिन हाँ अब उनकी तरह मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से मेकअप नहीं कर पाती लेकिन ये यस मैंने ट्राई किया कि उन्हीं के तरह लिटिल बट दिखूँ बट अगर आप इंटरेस्टेड है और जानना चाहते हैं इस लुक को मैंने कैसे अचीव किया है बाई तो वे इस लुक को मैंने बहुत ही कम एंड मिनिमम प्रोडक्ट में यूज़ किया है मतलब बहुत ही मिनिमम प्रोडक्ट मैंने इसमें यूज़ किए ताकि और बहुत ही अफोर्डेबल है ताकि आप लोग ना उस प्रोडक्ट को बाय कर सको मतलब हर कोई उतना हाई एंड प्रोडक्ट हाई एंड नहीं बाय कर सकता एंड गेस वॉट अगर आपकी टेक्निक्स अच्छी है तो आपको ज़रूरत भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप महंगे प्रोडक्ट एंड हाई एंड रेच के प्रोडक्ट में जाओ पहले आप टेक्निक सीखो फिर उसके बाद ही प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करो तो टेक्निक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट तो आज मैं आप लोगों को हर एक टेक्निक बताने वाली हूँ कि आप लोगों को कैसे करना है मेकअप ओके सो या विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो अगर आप लोग जो भी इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू तो सब्सक्राइब आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम माई इंस्टाग्राम हैंडल इज इंदू दी ब्यूटी अगर आप चाहो तो मुझे वहां पे फॉलो कर सकते हो और या विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स द वीडियो सबसे पहले मैं यहाँ पे रोज ग्लो टोनर यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का आपके पास जो भी आप यूज़ कर सकते फेस को पहले अच्छे से वॉश करना है देन टोनर अप्लाई करना अब मैं यूज कर रही हूँ गुड वाइब्स का वाइटमिन ई मॉइस्चराइजर विचेस एंड केमिकल फ्री पैरामस फ्री सल्फेट फ्री नो मिनरल ऑयल एडिड एंड नो एनिमल टेस्टिंग आपको सबसे पहले अपने फेस को क्लीन करना देन मॉइस्चराइज देन टोनर फिर मॉइस्चराइजर ये थर्ड स्टेप है जिसकी वजह से आपका मेकअप बहुत फ्लॉलेस आता है मॉइस्चराइजर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना आप चाहे तो टोनर स्किप भी कर सकते हैं लेकिन डोंट स्किप मॉइस्चराइजर ये मेरे पीछे से जो बैकग्राउंड में मैंने डेकोरेट किया गिर था तो मैंने उसे फिर चिपकाया बट फिर निकाल दिया नाउ अब हम लोग यूज़ करेंगे प्राइमर प्राइमर के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करी हूँ एन वाई वी का प्राइमर जो कि मेरा ऑलमोस्ट फिनिश हो गया था इसलिए मैं उस तरह से मुँह बना बना के निकाल रही थी और पूरे फेस पे नेक को भी अवॉइड नहीं करेंगे उसको भी उस पर भी अप्लाई कर ली अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ इनसाइड का कलर वीड और इसमें से जो करेक्टर है ऑरेंज करेक्टर उसको लेके अपने डार्क सर्कल पे और जहाँ जहाँ भी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है उसे करेक्ट करेंगी इससे आपकी जो इसका इस करेक्टर यूज़ करने का बहुत ही बेनिफिट्स है अगर आप मेकअप कर रहे हैं तो आपका मेकअप आप ग्रे नहीं होता है सब कुछ मर्ज होकर सटल डाउन हो जाता है Uh, अगर आप डायरेक्टली फाउंडेशन यूज़ करते हैं तो आपका मेकअप थोड़ा ग्रे भी हो जाता है तो इसलिए हमारे फेस में जो भी डिस्कलरेशन एंड पिगमेंटेशन है उसको करेक्ट करना बहुत ही है मैं अपने पिंपल्स पे भी लगा रही थी फिर मुझे याद आया कि पिंपल्स को ज़्यादा छेड़ना नहीं चाहिए तो मैंने वहाँ से हटा दिया एंड जहाँ जहाँ भी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है मैं इसे हाइड कर ले रही हूँ एंड दैट्स इट अब मैं एक टेम्प्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से सब कुछ सिम्पलेसली ब्लेंड कर लेती हूँ ताकि कोई भी लाइन ना आए अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का नाइन टू फाइव प्राइवेट प्लस मैट फाउंडेशन और इसको थोड़ा सा लेके मैं डॉट डॉट करके पूरे फेस पे एंड नेक पे अप्लाई कर लूँगी बहुत ही थोड़ा सा मैंने लिया है क्योंकि एक बार में बहुत ज़्यादा लगाना नहीं होता उससे आपका बेस जो है केकी एंड पैची हो जाता है तो आप बिल्डेबल करके थोड़ा थोड़ा करके ही अप्लाई करें जैसा आपका नीडेड एंड इट इज़ फुल कवरेज फाउंडेशन तो कम में भी काम चल जाता है तो मैं इसे फिर एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से डैबिंग मोशन में ब्लेंड कर लूँगी आपको एटलीस्ट फाइव टू सेवन मिनट देना है ब्लेंडिंग में इसी प्रोसेस में तभी आपका जो फाउंडेशन है वो अच्छे से ब्लेंड होगा सिमलेसली आपके पास जो भी फाउंडेशन है आप उसे यूज़ कर सकते हैं ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो प्रोडक्ट यूज़ किया है आपको वही प्रोडक्ट यूज़ करना है बस आपको टेक्निक सेम फॉलो करना है तभी आपका मेकअप जो है फ्लॉलेस होगा नहीं तो अनदरवाइज़ आपका जो बेस है वो केकी हो जाएगा एंड लेयर अप आप बिल्ड धीरे धीरे ही करें एक बार में पूरा ज़्यादा फाउंडेशन ना अप्लाई करें उससे आपका जो मेकअप है वो बहुत केकी एंड पैची हो जाएगा तो या अब मैंने नेक पे भी अप्लाई किया नेक भी अवॉइड नहीं करना नाउ आई एम यूजिंग इनसाइट का बनाना लूज़ पाउडर जो कि अंडर रुपीज़ टू हंड्रेड में आता है और ये आपके मेकअप को काफ़ी अच्छे से सेट कर देता है बहुत ही अच्छा एंड अफोर्डेबल लूज पाउडर है आप चाहे तो इसे जरूर ट्राई कर सकते हैं इसको मैं अच्छे से पूरे फेस एंड नेक पे सेट लगा के अपने मेकअप को सेट कर लूँगी अब मैं हूँ मार्स का बैक टू बेसिक पैलेट एंड इसमें से जो डीप ब्राउन है उसकी हेल्प से मैं अपने आईब्रो को फिल इन करूँगी तो जरूरी नहीं है कि आपको अलग से आईब्रो में पेंसिल या कुछ भी लेने की तो अगर आपके पास इस तरह से आई आई शेडो पैलेट भी है तो आप उससे भी अपने आईब्रोज़ को फिल इन कर सकते हो मैंने दूसरा भी कर लिया ऑफ कैमरा एंड मैं एक आईब्रो कॉम से अपने दोनों को सेट कर लूँगी कॉम करके मैं यहाँ पे ले रही हूँ ब्यूटी ग्लेस का डिजर्क डस्क पैलेट जो कि बहुत ही अफोर्डेबल एंड अच्छा वाला पैलेट है एंड एट द सेम टाइम ये बहुत ही पिगमेंटेड है इसमें से सबसे लाइटर शेड जो ऑरेंज है उसको एज अ ट्रांजिशन शेड मैं पूरे लिड पे अप्लाई करूँगी क्रीज पे अप्लाई करना है जो आप एज अ क्रीज उसको अच्छे से अप्लाई कर लूँगी तो ताकि थोड़ा सा डेफ्थ मिले दोनों ही आइज़ पे अच्छे से अप्लाई करके मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश के हल से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी आपके पास जो भी पैलेट है आप उसमें का ये शेम सेड या कोई भी लाइटर सेड जो आपके पैलेट में है उसे एज अ क्रीज में अप्लाई करना है इसी तरह सबसे लाइटर शेड को एज अ ट्रांजिशन शेड हम लोग यूज़ करते हैं सेम ब्रश को मैं अच्छे से साफ कर लूँगी एंड जो सबसे डार्क वाला शेड है डार्क ब्राउन इसमें का उसको मैं अपने आउटर वी पे अप्लाई करके आ, 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 आउटर वी पे अप्लाई करूँगी इस तरह से आपको भी सेम प्रोसेस में करना है एंड अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेंगे अंदर की तरफ ले जाते हुए ब्लेंड 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 एंड अच्छे से दोनों आईज़ पे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ताकि मेरे आईज़ को थोड़ा सा डेफ्थ मिले इससे आपकी आईज़ थोड़ी बड़ी एंड थोड़ी आपकी आईज़ जो है इससे बड़ी लगती है तो आप इस तरह से अपने आई शेडों अप्लाई कर सकते हैं और अच्छे से ब्लेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लेंडिंग में थोड़ा टाइम दीजिएगा नहीं तो आपका मेकअप अच्छा मेकअप उतना अच्छा नहीं होगा नाउ आई एम यूजिंग दिस सिमर शेड सेम पैलेट मेकअप और उसको एक फ्लैट शेडर ब्रश की हेल्प से पूरे लेड पे अप्लाई कर लूँगी पूरे नहीं जो भी बचा खुचा लेड है उसको आप समझ जाओ यार मुझे उतना बोलना ही नहीं आता ठीक है तो मैं अच्छे से इसे एक फ्लैट शेडर ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर लूँगी बहुत ही अच्छा पिगमेंटेड पैलेट है एंड फिंगर के हेल्प से और अच्छे से शिमर वाला शेड आपकी फिंग करके हल से भी अच्छे से अप्लाई हो जाता है एंड अच्छा पिगमेंटेशन देता है उसको अच्छे से मैं अप्लाई करके अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि कोई भी हार्श लाइन ना नजर आए दोनों ही लिट पे सेम जब तक आपको अपना डिज़ायर कलर नहीं मिलता आप उसे अप्लाई कर सक कर करते रहिएगा ना मुझे अपने क्रीज पे ना थोड़ा सा आउटर वी पे डेप्थ थोड़ा कम लग रहा है तो मैं अब थोड़ा डार्कर शेड मैं मांस के बैक टू बेसिक का सब और थोड़ा डार्क ब्राउन शेड को आउटर वी पे अप्लाई कर, करूँगी उसको अप्लाई करने के बाद सेम क्रीज सेट को लेके पूरे अच्छे से सबको एक साथ अच्छे से एक साथ ब्लेंड कर दूँगी यू कैन सी और पूरे अच्छे से ब्लेंड करने के बाद ये ये लुक काफ़ी अच्छा हो जाएगा देख सकते हैं मैंने सेम क्रीज सेट लिया फिर से उसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ मैं ताकि कोई भी हाशलाई ना नजर आए और एक अच्छा सा हम लोग को अपने आईज़ को डेफ्थ मिल जाए यू कैन सी कितना अच्छा लग रहा है ना तो यूज़ करी हूँ म्यूजिक फ्लावर का जेल आई लाइनर और इसे एक लाइनर ब्रश की छोटू सा मुझे मिला था इसी के साथ और ब्राउन ब्राउन शेड में है ब्राउन कलर का जेल आईलाइनर मैं यूज़ कर रही हूँ जिंदगी में दूसरी बार और मुझे इसको लगाने में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था लाइक अनन्या पांडे से भी ज़्यादा स्ट्रगल सो so, इसको मैं लगा रही थी एंड अच्छे से लग नहीं रहा था फिर भी मैंने लगा लिया अब मैं यूज़ कर रही हूँ लैशिंग लैस लाश को कर्ल करने के लिए कर्लर जिसको मैंने जिंदगी में इसको भी मैंने जिंदगी में बस दूसरी बार यूज़ कर रही हूँ जिसको लगाने इसको भी करने में अनन्या पांडे से ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था एंड अब मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ ब्लू हेवन का लास्टस्ट मस्कारा इसको अपर एंड लोअर लैश लाइन पे अच्छे से कोट करके लगाएंगे ताकि फॉल्स इफेक्ट आए फॉल्सिस मैं नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मेरी जो आई लैशेज है वो ऑलरेडी काफ़ी बड़ी है तो मैं इसलिए अप्लाई करना ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ आप यहाँ पे स्विस ब्यूटी का प्रो ब्लसर हाईलाइटर लेके उसमें से हाईलाइटर वाला पैलेट लेके उसमें से कॉन्टो शेड को ले पिक करूँगी और उससे अपने चिक को कॉन्टोर कर करूँगी मैं ताकि मेरा जो फेस है फ्लैट हो गया था वो अपलिफ्टेड लगे एंड एक सेप में आ जाए जो कि मेरा सेप है उसमें आ जाए क्योंकि हम जब बेस लगाते हैं तो पूरा फेस वाइट होने की वजह से हमारा स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं छुप जाता है तो कॉन्टोर लगाने से आपका स्ट्रक्चर फीस फिर से उभर के दिखने लगता है और काफ़ी अच्छा लगता है कॉन्टोर uh, करने के बाद आपका फेस मैंने सबसे पहले चिक को कंट्रोल किया है इसी तरह आपको करना है ईयर टू माउथ से एंड जॉ लाइन को भी मैं कॉन्ट्रोल कर रही हूँ ताकि कोई भी मेरा जो डबल चिन है वो ना नजर आए अब मैं ब्लश यूज़ कर रही हूँ हाईलाइट ये थोड़ा सिमरी ब्लश है जिस और लेकिन इसका पिगमेंटेशन उतना नहीं था तो मैं बगल का जो पीच वाला सेट था ना उसको भी पिक करके साथ में मिक्स एंड मैच करके उसको अप्लाई कर रही हूँ अच्छे से अच्छे से आपको अप्लाई कंटूर के जस्ट ऊपर में हमें ब्लश लगाना होता है जिससे हमारा जो चिक एकदम फ्लश ऑफ लगे एंड नोज पे भी मैं कॉन ब्लश लगा लूँगी जिससे मेरा नोज थोड़ा सा अच्छा दिखेगा और इंडियन लुक आएगा एंड नाउ मैं यहाँ पे नोज कंटूर कर रही हूँ ताकि मेरे पकौड़े जैसे नाक थोड़ी पतली लगे वैसे उतना भी पकौड़ा नहीं आई एम ओके विद दैट एंड नाउ मैं अब यहाँ पे सेम पैलेट में से हाइलाइटर ले रही हूँ जो कि गोल्डन शेड का बहुत ही प्यारा सा हाइलाइटर है इसको आप जरूर ट्राई कर सकते इस पैलेट को थ्री वन काम हो जाएगा एंड या yeah, मैं सभी जगह हाइलाइटर अप्लाई कर ले रही हम लोग मूव ऑन करते हैं आइस की तरफ तो हम जो डार्कर सेट मैंने लगाया था उसे लोअर लैस लाइन पर अप्लाई कर लूँगी मैं हाँ अब हम लोग वाटर लाइन में वाटर लाइन सॉरी लोअर लैश लाइन पे हाफ ऑफ दोअर लाइश लैश लाइन को आम, काजल की तरह आईलाइनर को लगाएंगे वाटर लाइन पे नहीं लगाना लैस लाइन पे हाफ़ में ही लगाना जिससे आपकी आईज बिगड़ लगे लोग आईज मेकअप को फिनिश करती है हाइलाइटर लगाऊंगी मैं सेम गोल्डन हाइलाइटर इनर कॉर्नर पे एंड ब्रो ब्रोबॉन पे इससे भी आपकी आईज जो है थोड़ी बिगड़ लगती है और मेकअप काफ़ी भर के आता है नाउ अप फेस अप लिफ्टिंग के लिए मैं एक निन्ंजा टेक्निक का यूज़ कर रही हूँ इस निंजा टेक्निक का नाम है पाउडर लूज पाउडर को लेना है अपने कॉन्टोर के जस्ट नी, नीचे एक लाइन खींच देना है इससे आपका जो मेकअप है एंड आपका फेस है थोड़ा शार्प लगेगा और बहुत ही अच्छा लगता है ये मैंने टेक्निक पहले भी यूज़ किया अब हम लोग लिपस्टिक लगाएंगे लिपस्टिक के लिए मैं दो लिपस्टिक यूज़ करी इनसाइट एंड एन वाई बे इनसाइट का रोमांस एंड एन वाई बे का दबी गैपल बे सबसे पहले मैं इनसाइट वन लगाऊंगी इनसाइड का थोड़ा डार्क डार्क टोन में जाता है तो सबसे पहले मैं पतला सा एकदम एक कोट इनसाइड का लिपस्टिक लगाऊंगी एंड अनदर कोट मैं लगाऊंगी एन वाई बेक का जिससे कि हमारा जो लिपस्टिक है वो मीडियम में आ जाए और काफ़ी अच्छा शेड बना था आप चाहो तो इन दोनों कॉम्बिनेशन को ज़रूर ट्राई कर सकते हो देख सकते हो बहुत ही अच्छा सा रेड बन गया है अभी मैं यहाँ पे ये वाला झुमका वेयर करूंगी जो जो मैंने सॉप्स से लिया था देन मैं इस चोकर को भी पहनूँगी ये चोकर मैंने कहाँ से लिया था ओनली फिफ्टी रुपीज़ का गैस वॉट मैंने ये कहाँ से लिया था जी हाँ तो ये मैंने कोलकाता से पूजो में लिया अगर आपने मेरा ब्लॉग नहीं देखा तो जाके अभी देखिए दुर्गा पूजा का कलकत्ता का ब्लॉग एंड नेक्स्ट भी ब्लॉग आने वाला है पार्ट टू अभी मैंने एडिटिंग नहीं किया बहुत टाइम लगता है एंड देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है फिफ्टी रुपीज़ का वर्थ इट है ना एंड नाउ अब मैंने यहाँ पे अप्लाई कर लिया है बिंदी बिंदी को मैं अच्छे से लगा लूँगी दिस इज़ माई फाइनल लुक गाइस कैसा लगा आपको ये लुक कमेंट करके ज़रूर बताना अगर वीडियो अच्छी लगी है और हेल्पफुल लगी और पसंद आया हो तो ज़रा सा भी लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर भी कर देना वीडियो को एंड हेयर स्टाइल के लिए मैंने नॉर्मल सा जुड़ा किया एंड उसको आर्टिफिशियल गजरा से डेकोरेट कर लिया है क्योंकि हेयर स्टाइल में मैं बहुत ही वीक हूँ मैं सोच रही थोड़ा बहुत हेयर स्टाइल भी सीखूँ कैसा रहेगा एंड आप मिल दैट्स इट फॉर टू वीडियो मिलते रहेंगे अगले वीडियो में टिल देन बाय बाय लव यू ऑल थैंक्स